हेलो गाइस, वेलकम टू युवा क्लासेस पार्ट टू। लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर ट्वेल्थ जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है उसको लेकर आते हैं। हमारा पार्ट वन है विभा क्लासेस, जिसमें हमने ट्वेल्थ तक, टेंथ से लेकर ट्वेल्थ तक बिजनेस, मैथ्स, अकाउंट्स, इको, ये सब अपलोड किया है। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप विभा क्लासेस पार्ट वन को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपके पास लेकर आए हैं ऑपरेशन रिसर्च का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, दैट इज वोगल मेथड, यानी VAM मेथड भी इसको बोलते हैं, वोगल मेथड। तीसरा मेथड है ये। दो मेथड हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं पार्ट वन में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब हमारे पास है वोगल मेथड, तो चलिए इसे सीखते हैं और फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का आखिरी स्टेप हम सीखेंगे, ऑप्टिमालिटी चेक करना। तो चलिए, आज की वीडियो में हमारे पास वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ये टेबल बना हुआ है आपके पास। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि बैलेंस्ड क्वेश्चन है या नहीं है। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? आप देखिए, जितने कॉलम्स हैं उतनी रो है। अगर ऐसा हो कि कॉलम और रो मैच ना कर रहे हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, इसका टोटल चेक करना है। 21 प्लस 25 प्लस 17 प्लस 17, दैट इज इक्वल टू 80। यहां से भी चेक करिए, 34 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 19, ये 80 होना चाहिए। अगर रो में कम बच रहा है तो रो आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। मान लीजिए ई रो इंट्रोड्यूस कर देंगे और यहाँ 0000 मेंशन कर देंगे। अगर रो में कम पड़ रहा है, मान लीजिए इनका टोटल आता 79, तो यहाँ पे 1 लिखकर ये रो में हम 00 इंट्रोड्यूस कर देते, इसको बोलते हैं डमी रो, राइट। सिमिलरली कॉलम में भी हो सकता था। अगर मान लीजिए कॉलम का जो टोटल है वो आपके पास कम बन रहा होता, फॉर एग्जांपल कॉलम का टोटल 60 बन रहा हो, तो हम एक कॉलम ऐड कर देते यहाँ पर, उसमें वैल्यू डाल देते 000, और जितना भी कम पड़ रहा होता, मान लो 20 की कमी पड़ रही होती 80 नहीं बनने के लिए, तो 20 ऐड कर देते। इसे बोलते हैं डमी रो या डमी कॉलम, और इसे अनबैलेंस्ड टेबल बोलते हैं। फिलहाल हमारे पास जो ये टेबल है ये बैलेंस्ड है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का टोटल करके देख लिया। 21 प्लस 25 प्लस 17 प्लस 17 कितना बन रहा है? 80। 34 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 19 कितना बन रहा है? 80। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। अब वोगल मेथड में क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। वोगल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, रो में सबसे पहले हम देखेंगे, हमें रो पेनल्टीज निकालनी पड़ती है, बोलते हैं रो पेनल्टीज, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मिनिमम नंबर ढूंढिए, कौन सा है मिनिमम नंबर? 1। नेक्स्ट मिनिमम नंबर कौन सा है? 3। उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 3 माइनस 1 1, पॉजिटिव ही लेना है आपने हमेशा। सबसे पहला मिनिमम नंबर, नेक्स्ट मिनिमम नंबर, उसको सब्ट्रैक्ट करा, वो वैल्यू आपने बाहर ली, ठीक है। ये रो वन में हो गया। रो टू में चलते हैं। रो टू में मिनिमम नंबर है 3, नेक्स्ट मिनिमम नंबर फिर से 3 है, तो 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आइए, मिनिमम नंबर है 3, नेक्स्ट मिनिमम नंबर है 4, तो कितना आ जाएगा? डिफरेंस निकालना आपने बाहर। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है -1 और फिर है 2। अब देखिए, -1 -2, प्लस में लिखना है आपने पेनल्टी को, तो ये हो जाएगा 3, राइट। तो आपके पास रो पेनल्टीज जो है वो निकल गई। इसी तरीके से हम अब कौन सी पेनल्टीज निकालेंगे? कॉलम पेनल्टीज, और ये पॉजिटिव लिखनी है आपको, 3 आ गई। अब कॉलम वाइज आ जाइए, कॉलम में सबसे मिनिमम नंबर है 3 के बाद है 4, तो ये क्या आ गया आपके पास? 1, राइट। सिमिलरली इसमें आइए, -1 और 1, देखिए -1 -1 -2 आएगा, लेकिन मैंने पॉजिटिव लिखना है, 2 लिख दिया हमने, क्लियर। चलिए थर्ड कॉलम में आप सोचिए क्या आएगा। देखिए, मिनिमम है 3, गुड, और उसके बाद है 4, तो ये आ जाएगा 1, क्लियर। इसके बाद देखिए, 2 मिनिमम है और 3, तो यहाँ पर क्या आ गया? 1। तो इस तरीके से हमने रो के भी 2 मिनिमम डिफरेंस निकाल लिए और कॉलम के भी निकाल लिए। अब आपने देखना है इसमें हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है। देखिए, आपके पास कौन कौन सी पेनल्टीज है? 2 है, 0 है, 1 है, 3 है। कॉलम वाइज है 1 1 2 1, तो हाईएस्ट कौन सी हुई? 3 हुई। तो जो हाईएस्ट पेनल्टी है उसमें आप सबसे पहले अलॉट करें, ठीक है, सबसे पहले अलॉट करें। अब किसको अलॉट करें? तो जो हाईएस्ट पेनल्टी वाली रो है, इसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी है? यहाँ 4 रुपए लग रहे हैं या -1 रुपीज लग रहे हैं? 4 रुपए लग रहे हैं, 2, तो मिनिमम इसी की कॉस्ट है, सबसे पहले इसको अलॉट किया जाएगा, राइट। अब देखिए, सेकंड की रिक्वायरमेंट है 25 की, और जो ये कॉलम है ये 19 दे सकता है, तो ऑब्वियसली इसको कितना अलॉट किया जाएगा? 19 अलॉट कर दिया जाएगा, क्लियर। 19 अलॉट हो गया। अब 19 अलॉट होते ही ये 19 क्या हो गया आपके पास? फिनिश, या आप ये कह सकते हैं ये वाली रो फिनिश हो गई। और यहाँ 25 में से अब आपके पास रह जाएगा 6, क्लियर। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? फिर से हम पेनल्टीज निकालेंगे। अब फिर से पेनल्टीज निकलेंगी। चलिए,
इसमें आपके पास यही सेम टू आ जाएगी, इसमें जीरो आ जाएगी वन, जीरो अभी भी सेम है, यहाँ पर डैश हो गया क्योंकि अलॉट नहीं, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि कॉलम चेंज हो चुके हैं। तो मिनिमम है थ्री और फाइव, तो उनका डिफरेंस कितना आ गया टू, यहाँ पे मिनिमम है वन और थ्री, उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा टू, ये थ्री और फोर तो उसका डिफरेंस आ जाएगा वन, यहाँ है थ्री एंड नेक्स्ट थ्री तो यहाँ आ गया जीरो। अब सबसे हाईएस्ट देखिए, सबसे हाईएस्ट किस में है आपके पास, अब हाईएस्ट अगर बात करी जाए तो हाईएस्ट पेनल्टी टू यहाँ भी है, सॉरी हाईएस्ट पेनल्टी टू आपके पास ये भी है, हाईएस्ट पेनल्टी टू ये भी है और ये भी है। अब किसको अलॉट करा जाए, इसके लिए आपने ये देखना है कि मिनिमम कॉस्ट किसके अंदर है। रो वाइज देख लीजिए सबसे पहले, ये देखिए सबसे पहले रो वाइज देख लीजिए, क्लियर। तो अब देखिए ये आपके पास रो है टू वाली, क्लियर, और ये आपके पास कॉलम है टू वाला। इसमें आप देखिए मिनिमम कहाँ है, इसमें आपके पास मिनिमम पड़ रहा है वन रुपीस, है ना, वन रुपीस। और अगर हम कॉलम वाइज देखें तो इसमें मिनिमम है थ्री, इसमें है वन। तो आपने क्या करना है, जैसे आप देखिए ये वाला जो पेनल्टी था, ये वाला पेनल्टी हाईएस्ट था, ये वाला पेनल्टी हाईएस्ट था, आपने पूरी रो ऑब्जर्व करनी है। मैंने पूरी रो ऑब्जर्व करी, इसमें मुझे वन जो है वो मिनिमम दिखा, मैंने इस कॉलम को देखा इसमें थ्री मुझे मिनिमम मिला, इसमें मुझे वन मिनिमम मिला, तो तीनों में सबसे मिनिमम नंबर कौन सा हुआ, वन ना। तो हम सबसे पहले किसको अलॉट करेंगे, वन को अलॉट करेंगे, क्लियर। तो हमने अलॉट किया वन को, अब देखिए वन को यहाँ पर 34 और यहाँ से 6 आ सकती है, तो इसे कितनी दे दी हमने, 6 दे दी। अब यहाँ पे 6 फिनिश हो गई और 34 में से 6 चली गई तो रह गई 28। अब ये जो कॉलम है आपका, ये पूरा का पूरा कॉलम जो है ये आपका फिनिश हो गया, क्लियर, ये कॉलम खत्म हो गया। फिर से हम रो पेनल्टीज निकालेंगे, तो देखिए 3 - 3 ये कितना आ गया, जीरो। यहाँ पर 3 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया, वन। 3 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया, वन। ये रो तो फिनिश हो चुकी है, कॉलम वाइज आइए, 3 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, टू। ये रो आपकी कॉलम खत्म हो चुका है तो डैश, 3 और 4 का डिफरेंस वन, 3 और 3 का डिफरेंस जीरो। अब हाईएस्ट कौन है, ऑब्वियसली देखिए ये ऑब्वियसली पेनल्टी हाईएस्ट टू है ये, क्योंकि 2 1 और यहाँ 0 1 है। इसी रो में, इसी कॉलम में अलॉट करेंगे, इस कॉलम में किसको अलॉट करेंगे, जिसका कॉस्ट सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कॉस्ट किसका है, ऑब्वियसली 3, तो इसको अलॉट करेंगे हम लोग। तो चलिए इसको अलॉट करते हैं, यहाँ पे 21 कॉलम में अवेलेबल है, रो में 15 की रिक्वायरमेंट है, तो जो मिनिमम होता है वही अलॉट होगा ना। देखिए फर्स्ट वाला कितना दे सकता है, 21, और बी को चाहिए कितनी, 15, ये देखिए, और यहाँ पे 20, तो मिनिमम ही अलॉट हो सकता है, तो यहाँ पर हमने अलॉट कर दिया 15। अब यहाँ कितना रह गया आपके पास, 6। अब देखिए 15 अलॉट करने के बाद ये वाली रो भी आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश, क्लियर। आप चाहें तो रो काट सकते हैं, नहीं तो एलिमेंट कट कर सकते हैं। अब आ जाइए दोबारा से पेनल्टीज निकालेंगे हम लोग, तो 3 - 3 ये कितना आ गया आपके पास, 0। ये वाली रो गायब हो गई और ये वाली रो भी आपकी खत्म हो गई, 3 - 4 ये आ गया 1। नेक्स्ट कॉलम वाइज पेनल्टी निकालेंगे हम इसमें, तो आपके पास ये वाला कॉलम जा चुका है आपके पास, 5 - 6 कितना आ गया आपके पास, 1। 3 - 4 ये आ गया 1 और 3 - 3 0। तो अब हाईएस्ट पेनल्टी की बात करें तो 1 है, यहाँ पर वहां पे भी बने, यहाँ पर भी बने। अब किसको दें, ध्यान से देखिएगा, मिनिमम कॉस्ट के लिए जाएंगे, पहले रो वाइज आते हैं, पहले रो वाइज आते हैं, इस रो में देखते हैं पहले हम लोग, इस रो में मिनिमम कॉस्ट है 3, राइट। अब इस कॉलम में आओ, इस कॉलम में तो 5 दिख रही है और इस कॉलम में आपको ये 3 दिख रही है। अब हमारी मर्जी है, हम चाहें तो इसे अलॉट कर दें, हम चाहें तो इसे अलॉट कर दें, कोई भी अलॉट कर सकते, क्योंकि जब हमने ये वाली जो मिनिमम पेनल्टी थी, मिनिमम क्या थी, यहाँ पे तो एक तरीके से टाई हो गया था, यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर तीनों जगह बना है, तो हमने पहले इस रो को चेक करा, इसमें मिनिमम है 3 रुपीज, फिर इस कॉलम में चेक करा, इसमें तो 5 रुपए हैं, इसको तो देना ही नहीं इस कॉलम को, तो फिर हमने इस वाले कॉलम को चेक किया तो इसमें हमें क्या मिला, 3 रुपीज है। तो अभी जो 2 मैंने 3 हाईलाइट करे हैं आपके पास, ये देखिए ये जो ये वाला 3 है और ये वाला जो 3 है, इसे आप दे सकते हैं दोनों में से किसी को भी, तो दोनों में से किसी को भी हम अलॉट कर देते हैं, चलिए तीनों में, दोनों में से किसी को भी अलॉट कर देते हैं। तो मान लीजिए पहले हमने रो वाले को अलॉट कर दिया, किसी को भी अलॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए अब अगर आप रो वाइज अलॉट करते हैं पहले इसको, तो इसको 12 की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे अवेलेबल 17 है, तो कितना देंगे, ऑब्वियसली 12। तो यहाँ पर हमने 12 दे दिया, 12 देते ही ये रो फिनिश हो गई और यहाँ पर अब आपके पास 5 रह गया, क्लियर। अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जो बचा हुआ है वो रो वन में अलॉट हो जाएगा। देखिए रो वन जो है 28 ले सकती है, अब यहाँ पर देखिए कॉलम में कितना है 6, इसको 6 दे देते हैं, इसके पास कितना बचा है 17, इसको 17 दे दीजिए, यहाँ बचा है 5, ये 5 दे दीजिए, खत्म।
ठीक है। अब आप देखिए 6 + 6 + 17 + 20 5 कितना आना चाहिए 28। ये देखिए रो 1 रो 2 का 15 है, यहाँ पर 12 अलॉट हो गया 19। ऐसे कॉलम वाइज भी टोटल हो रहा होगा। अब हमें निकालनी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो कैसे निकलती है 5 × 6 + 1 × 6 + 3 × 17 + 3 × 5 + नेक्स्ट रो में देखिए 3 × 15, थर्ड रो में देखिए 3 × 12 एंड फोर्थ रो में है -1 × 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 30 + 6 + 51 15 + 45 + 36 - 19 = 164। मैम अभी उतना क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, शायद उससे ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ताकि आपको इस पर क्लैरिटी और बढ़ जाए। चलिए एक और देखते हैं, ऑब्टेन इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बाय वैम्प मेथड यानी गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। कैसे चेक करते हैं बैलेंस्ड है या नहीं है, 3 + 3 + 2 + 2 = कितना आ जाएगा, ये 6 और 4 = 10 आ गया आपके पास, और 5 × 2 = 7 और 3 = 10, तो ये बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अब गूगल अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं, रो में मिनिमम नंबर ढूंढना, तो रो में पहला मिनिमम नंबर है 3, फिर है 4, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे 1, है ना, तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना आ गया हमारे पास, सबसे पहले फटाफट से लिख देते हैं यहाँ पर 1, ठीक है। अब ये मिनिमम नंबर है 2 और नेक्स्ट मिनिमम नंबर दोबारा 2 है, तो 0 आ गया। यहाँ पर कितना है, 3 मिनिमम है, उसके बाद 4, तो कितना आ गया 1, इसे बोलते हैं रो पेनल्टी। अब कॉलम वाइज 2 और 3 का डिफरेंस आ जाएगा, राइट, तो 2 और 3 का डिफरेंस आ गया 1, 3 और 4 का डिफरेंस आ गया 1, 3 और 6 का डिफरेंस आ गया 3, 2 और 4 का डिफरेंस आ गया 2। अब ऑब्वियस सी बात है हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है, 1, 1, 3, 2, इनमें से हाईएस्ट पेनल्टी है, तो इस कॉलम को अलॉट होगा। अब इस कॉलम में से उसको अलॉट होगा जिसकी कॉस्ट मिनिमम, तो किसकी कॉस्ट मिनिमम है इस रो में से, अगर आप ध्यान देंगे तो इस रो में से ये मिनिमम है, तो इसी को सबसे पहले अलॉट होगा, राइट, क्लियर। तो चलिए अब इसको अलॉट कर देते हैं हम लोग, इसकी रिक्वायरमेंट 2 की है और इसे नीड भी 2 की, तो बहुत ही खुशी की बात है, तो दे देते हैं इसको, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये रो भी खत्म हो गई, ये देखिए इसको काट दीजिए ऐसे, और ये कॉलम भी खत्म हो गया आपके पास, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब दोबारा से रो पेनल्टी निकालते हैं, 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा 1, और ये तो रो ही फिनिश हो गई हमारी, और यहाँ पर 3 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया 1, ठीक है जी। अब कॉलम वाइज आ जाइए, 3 और 4 का डिफरेंस 1, 7 और 3 का डिफरेंस 4, ये वाला तो कॉलम ही फिनिश हो गया हमारा, और 4 और 5 का डिफरेंस, हाईएस्ट पेनल्टी ऑब्वियसली 1, 4, 1, 1, 1 में से कौन है हाईएस्ट, 4 है, तो इस कॉलम को अलॉट करेंगे हम लोग, इस कॉलम में किसको अलॉट करेंगे, जिसका मिनिमम कॉस्ट है, यानी 3 को अलॉट करेंगे। चलिए सबसे पहले 3 को अलॉट करते हैं, अब देखिए 3 की रिक्वायरमेंट 3 की है और यहाँ अवेलेबल भी 3 का, तो बहुत ही खुशी की बात है, 3 दे देते हैं, ये देते हैं, ये वाला 3 भी फिनिश, ये वाला 3 भी फिनिश। अब ये रो में कोई और अलॉटमेंट नहीं हो सकती, कोई कैंसिल, ये कॉलम भी और अलॉट नहीं कर सकता, खत्म हो गया, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बचा हुआ अवेलेबल करा दो, यहाँ पे 3 अवेलेबल है ये इसको मिल जाएगा, यहाँ पे 2 अवेलेबल है ये इसको मिल जाएगा, ये भी फिनिश, और यहाँ से ये 5 भी फिनिश। तो यहाँ पर आपके पास गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से ये सॉल्व हो गया। अब हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से इसे कॉस्ट निकालनी है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कैसे निकालते हैं, 3 × 3 + 4 × 2 + 3 × 2 सेकेंड रो में एंड देन + 3 × 3, तो ये आ जाएगा 9 + 8 + 6 + 9 = 30। तो बेसिकली क्या स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, आपने सबसे पहले रो 1 को लेना है, उसमें 2 मिनिमम नंबर्स को माइनस करना, पहले फर्स्ट मिनिमम नंबर चूज करो, फिर सेकंड मिनिमम नंबर, उसको माइनस करके पॉजिटिव पेनल्टी लिखो, रो 2 में भी सेम, रो 3 में भी सेम, कॉलम 1 में भी ऐसे ही 2 मिनिमम नंबर लेके उनका डिफरेंस निकालना। फिर क्या करना है, जो आपने ये सारी पेनल्टीज निकाली होती है, देखिए ये पेनल्टीज निकाली होती है, इनमें से जो हाईएस्ट पेनल्टी है जैसे 3 थी, तो उस कॉलम को आपने सबसे पहले देखकर उस कॉलम में उसे एडजस्ट अलॉट करना है जिसकी कॉस्ट सबसे छोटी है, 6, 3 और 8 में 3 सबसे छोटा था, ठीक है। फिर अगर वो रो फिनिश हो रही है तो रो काट दो, कॉलम फिनिश हो रहा है तो कॉलम कट कर दो, राइट, इस तरीके से प्रोसेस आपने रिपीट करना है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अगर यूजफुल लगा हो तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।